जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टेट सीरीज। टेट सीरीज में पहला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ क्या होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु से बने रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, परमाणु की संरचना किससे मिलती जुलती होती है। पृथ्वी, सौरमंडल, सौर मंडल, ओजोन मंडल। तो इसमें उत्तर आएगा परमाणु की संरचना किससे मिलती जुलती होती है। परमाणु की संरचना सौरमंडल से मिलती जुलती होती है। तीसरा प्रश्न है, जिन इलेक्ट्रॉन्स को शेष संयोजी बंध में स्थान नहीं मिलता वे क्या कहलाता है। शेष संयोजी बंध में मतलब एचालक में स्थान नहीं मिलता वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक की संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, धनात्मक इलेक्ट्रॉन्स, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ नहीं होते। धनात्मक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयंस किस समूह को कहते हैं। आयंस है जो किस समूह को कहते हैं। आवेश युक्त परमाणु, निवेशित युक्त परमाणु, आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन्स, परमाणु इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आवेश युक्त परमाणु होता है। अब पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट कहते हैं। वोल्टेज नहीं, प्रतिरोध भी नहीं और कोई भी नहीं तो नहीं हो सकता। इसमें आवेश के इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं को प्रवाह को करंट कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत की दिशा, धनात्मक ऋणात्मक, इसमें इलेक्ट्रॉन के विपरीत की दिशा होती है। और सातवां प्रश्न है, यदि किसी एक सेकेंड समय में 6.24×10^18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 एम्पियर होगा। अब है आठवां क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल होती है। विद्युत धारा की चाल आप सबको पता होगा। विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नौवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के धक्का लगाने वाला बल क्या कहलाता है। ईएमएफ, पीडी, करंट, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसमें ईएमएफ होता है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धक्का लगाता है, प्रवाह कराता है। अब दसवां क्वेश्चन है जो है, इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। विभवांतर, विभव, चालकता, प्रतिरोधता। इसमें विभव होगा। ग्यारह क्वेश्चन है, विद्युत के उसमें प्रभाव का उदाहरण नहीं है। नहीं का पूछा है मतलब विद्युत प्रेस है जो उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। हीटर है उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। बल्ब है उसमें प्रभाव कार्य करती है। मोटर है जो उसमें प्रभाव पर कार्य नहीं करती। बारहवां क्वेश्चन है कि जब वायु शून्य नली से अधिक वोल्टता एवं उच्च फ्रीक्वेंसी की किरण प्रवाहित की जाती है तो कौन सी किरणें प्रवाहित होती है। एक्सरे, वाई रे, जेड रे, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें एक्सरे किरणें प्रवाहित होती है। तेरहवां क्वेश्चन है, गैस के आयनीकरण प्रभाव का उदाहरण है। गैस के आयनीकरण प्रभाव का उदाहरण है, गैस का आयनीकरण होता है जो होता है उच्च प्रकाशीय लैंप, स्टेटस, चौक, मोटर्स। कौन सा होता है। गैस का आयनीकरण प्रभाव उच्च प्रकाशीय लैंप में होता है। चौथा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करते हैं, चक्रण, कक्षीय, एक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे क्वेश्चन का उत्तर होगा चक्रण और कक्षीय गति दोनों करते हैं। और पंद्रह प्रश्न है आगे, परमाणु संरचना के नियम के अनुसार परमाणु की प्रथम चार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है। 2n स्कोर का होता है
या 2n³ का होता है, a प्लस बी दोनों होता है, उपरोक्त सभी से ज्ञात करेंगे। 15 प्रश्न का उत्तर है 2n³। अब 16 प्रश्न है एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है। 16 क्वेश्चन का उत्तर होगा परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, ए बे दोनों, परमाणु भार, कौन सा होगा, परमाणु क्रमांक। अब 17 प्रश्न है तांबे के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तांबे के परमाणु का इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो 29 होता है। 18 प्रश्न है किसी चालकता के अनुप्रस्थ काट से होकर एक सेकेंड में एक एम्पियर धारा के प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कब होता है, एक सेकेंड में एक एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, तो इसका उत्तर होगा, आपको पता ही होगा, 6.24 × 10^12, 6.24 × 10^16, 6.24 × 10^14, 6.24 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6.24 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 19वां क्वेश्चन है शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति की इकाई पूछा है, शक्ति की इकाई किलोवाट, वाट घंटा, किलोवाट, किलोवोल्ट, किलोवाट घंटा। शक्ति का बड़ा मात्रक है जो किलोवाट होता है और शक्ति का मात्रक हमेशा वाट होता है। तो 19वां का उत्तर हो जाएगा सी, मतलब 3 नंबर, किलोवाट। 20वां क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध की ओम मीटर होती है, ऑप्शन दे रखा है ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इंटू मीटर, माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मिली ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर का जवाब होगा ओम इंटू मीटर। आज हमने 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज की थी, अब कल हम और करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।